हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, आज हम लोग अपनी लेबर मार्केट का पार्ट टू डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा, दैट इज प्राइस सेटिंग रिलेशन। गाइस, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने वेज सेटिंग रिलेशंस के बारे में डिस्कस किया था। हमने मेजर लेवल पे ये पढ़ा था, ये डिस्कस किया था कि कैसे वेजेस अनएम्प्लॉयमेंट के साथ रिलेट करती हैं। देखिए, जो वेजेस होती हैं उनको डिटरमाइन करने के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करती है वर्कर की बार्गेनिंग पावर, और जो वेज सेटर्स यानी जो यूनियंस होती हैं वो वर्कर की इसी बार्गेनिंग पावर के बेसिस पर वर्कर के लिए वेज डिसाइड करती है। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन किया था। अब अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप लोगों ने लास्ट क्लास यानी पार्ट वन ऑफ लेबर मार्केट नहीं देखा है तो प्लीज उस लेक्चर को पहले देखिए, क्योंकि ये सब इंटर रिलेट कर रहा है, आपस में कनेक्शन है चीजों का। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज उस लेक्चर को सबसे पहले देखिए, और एक चीज ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस जरूर फॉलो करिएगा। ऐसा नहीं हो कि आप लेक्चर लेक्चर नंबर 5 पहले देख रहे हैं, फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी आपकी और फिर वो दिक्कत ही दिक्कत करेगा आपको। तो मैं लास्ट क्लास जो मैंने पार्ट वन डिस्कस किया था उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास का डिस्कशन। मैं हूं समीर चौधरी, आप लोगों का दोस्त, और आप सबका वेलकम है हमारे आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सेमिकॉन क्लासेस। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए, और रिक्वेस्ट गाइस के प्लीज कमेंट जरूर करिए। कमेंट ये जरूरी नहीं कि आप थैंक यू लिख के भेजो, इफ यू हैव एनी क्वेरी तो आप क्वेरी भी लिख सकते हो, ठीक है। कोई कोई आपकी पढ़ाई से रिलेटेड डिस्कशन अगर आप करना चाहते हो तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो वहां पर, और अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर गाइस आप थैंक यू वगैरह लिख सकते हो, इससे हमें मोटिवेशन बहुत मिलेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास का डिस्कशन। देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं कि हमारी मार्केट के प्राइस सेटर्स कौन होते हैं तो वो फर्म्स होती हैं, यानी अब आप अपने दिमाग में रखिएगा कि हमारी लेबर मार्केट में जो फर्म्स होती हैं, फर्म्स आर दी मेन, फर्म्स आर दी प्राइस सेटर्स। अब आप दिमाग में सोचोगे कि सर फर्म प्राइस सेट कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। मैं आपको ये चीज समझाने के लिए आपको कुछ अजम्पशंस रिकॉल करवाऊंगा जो हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस करी थी। हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर सबसे पहले अजम्पशन कौन सी करी थी? प्लीज कॉपी की पेज पलटो, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले लेक्चर वो देखो फिर इस लेक्चर को देखना। जिन्होंने ये लेक्चर देख रखा है मैं उनसे बात कर रहा हूँ, सबसे पहली अजम्पशन क्या थी कि प्राइजेस हमारे स्टिकी होंगे। चलो वो अजम्पशन एक अलग है, उसका यहाँ पे कोई यूज नहीं है। सेकंड हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, एक अजम्पशन थी जो हमारी लिस्ट में थी कि जो जो मार्केट है वो बेसिकली इम्परफेक्ट कॉम्पिटेटिव प्रैक्टिस करेगी, यानी मार्केट के अंदर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन होगा। तो आप पहले ये समझ लीजिए कि जब भी हम लोग कहते हैं कि मार्केट के अंदर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है तो उसका मतलब क्या होता है, या हम किस प्रकार के सेलर्स की बात कर रहे होते हैं। देखिए, हम जो बात कर रहे होते हैं यहाँ पे तीन प्रकार के सेलर्स आते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ सेलर्स यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। एक होता है मोनोपोली, एक होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और एक होता है ओलिगोपोली। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक होता है मोनोपोली, एक होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और एक होता है ओलिगोपोली। ध्यान रखना, ये तीनों ही मार्केट, ये तीनों ही जो सेलर्स हैं, ये कहीं ना कहीं अपने आप में मोनोपोली होते हैं। क्यों? मोनोपोली तो मोनोपोली यानी सिंगल सेलर, इसका मतलब मोनोपोली प्राइस सेटर्स है, प्राइस सेटर या प्राइस मेकर है। सिमिलरली जो ओलिगोपोली होते हैं, ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स होते हैं, देन दे आल्सो आर दी प्राइस सेटर्स और प्राइस मेकर। अब यहाँ पे बात आ जाती है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट की। गाइज, वहां पर डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, वहां पर वराइटीज ऑफ प्रोडक्ट होते हैं, देन हर कमोडिटी का जो डिफरेंशिएटेड नेचर होगा वो अपने आप अपनी कमोडिटी का प्राइस सेट करेगा, कोई और सेट करने नहीं आएगा। मान लीजिए टूथपेस्ट होता है, अब वो कोलगेट भी है, पेप्सोडेंट भी है, बबूल भी है, और क्लोजअप भी है, ना जाने कितने सारे, सेंसोडाइन वगैरह भी है, तो इनका प्राइस अपनी मर्जी से ये लोग खुद सेट करते हैं, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट प्रोडक्ट का प्राइस खुद सेट कर रहे हैं। इसका मतलब जब भी बात आ जाती है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, चाहे वो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन हो, चाहे वो ओलिगोपोली हो, ठीक है, वो कोई भी हो, गाइस ये सबके सब जो होते हैं ये प्राइस सेटर्स होते हैं, दे आर दी प्राइस सेटर्स, ठीक
ठीक है, इसलिए हम लोग ये मान के चलते हैं कि जब भी हम लोग लेबर मार्केट पढ़ रहे हैं तो हमने वहां पे अजम्पशन यही ले ली कि मार्केट के अंदर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव नेचर प्रैक्टिस होगा, और जो प्राइस सेटिंग रिलेशंस की बात होगी तो फर्म्स आर दी मेन प्राइस सेटर्स। दिमाग में रखिएगा, परफेक्ट वो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन है। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एक खास बात होती है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर जो प्राइस होता है वो मोर देन मार्जिनल कॉस्ट होता है। देखिए, काफी सारी कनेक्टिविटीज हैं जो आपने अपनी पुरानी क्लासेस में पढ़ी होंगी, चीजें पढ़ी होंगी जो आज आप कनेक्ट करना तो चाहते हो, लेकिन आपको कॉलेज में या आपको जहां से आप पढ़ रहे हो वो आपको इतनी डिटेल पर लेकर ही नहीं जाते। ध्यान रखना, मेरा पढ़ाने का पर्पस क्या है, मैं क्यों इस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ। इवन मुझे एक स्टूडेंट ने, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वैसे तो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया और मेल करा बेसिकली कि सर मैं आपको 2 साल से फॉलो कर रही हूँ, लेकिन आपका ना हर वीडियो में पढ़ाने का तरीका अप होता है, मतलब आपकी एफिशिएंसी दिन ब दिन बढ़ती है। तो मैंने एक ही रिप्लाई करा, बेटा मेरी एफिशिएंसी या मेरा नॉलेज लेवल अगर इंक्रीज हो रहा है तो उनके उस चीज के जिम्मेदार आप लोग हो, क्योंकि आप लोगों की साइड से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि जब मैं आपको कोई चीज पढ़ा रहा हूं तो मेरा पर्पस दो है। एक है आपको अच्छे से अच्छे नॉलेज देना, हाई क्वालिटी नॉलेज देना, राइट। देखिए, मैं उस चकाचौंध का हिस्सा नहीं हूं कि यहाँ पे टीवी वगैरह लगा लूं, मेरे पास नहीं है फंड उतना, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं यहाँ पे टीवी लगाऊं। ठीक है, काफी लोग हैं जो टीवी पे पढ़ा रहे हैं एंड उन्होंने काफी अच्छा कमाया है पेड क्लासेस रखकर, बट नहीं है मेरे पास उतना फंड। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को जरूरी नहीं है कि टीवी पर ही पढ़ोगे, आप ऐसे ही पढ़ सकते हो। मैं पहले राइटिंग पैड पे पढ़ाया करता था, वो खराब हो गया तो मैं नहीं ला सकता, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अब समझो चीजों को, तो मुझे लगता है कि मैं बोर्ड और मार्कर में इसी पे ही आपको नॉलेज क्वालिटी, क्योंकि क्वालिटी नॉट डिपेंड्स ऑन द हाई लेवल टेक्नोलॉजी। हाँ, इन फ्यूचर अगर हमारे पास फंड आया या किसी भी प्रकार से मैं पैसे वगैरह आए, ठीक है, वो कैसे भी आ जाए हम ट्राई करेंगे, राइट, तो हम आपको फिर और अच्छे से अच्छी क्वालिटेटिव जो है नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। तो एक तो हमारा पर्पस है यहाँ पर नॉलेज प्रोवाइड करना, सेकंड पर्पस है आपके मार्क्स लेकर वहां, आपके मार्क्स आने चाहिए, क्योंकि जब आपको डिटेल नॉलेज होती है तो आप गए एग्जाम में अच्छे से अच्छा लिख सकते हो, राइट। समझ में आ गई मेरी बात आप लोगों को? अब जरा सुनना, जरा बहुत ज्यादा ध्यान से। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि जो प्राइस होता है वो मार्जिनल कॉस्ट कॉस्ट से ज्यादा होता है। अब एक बार सोचिएगा कि मैंने बोला ये प्राइस है, एंड एंड अदर थिंग, हमने एक अजम्पशन और ली थी, एक अजम्पशन हमारी और थी जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। एक तो अजम्पशन यही है कि मैं लिख देता हूँ मार्केट के अंदर इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन प्रैक्टिस हो रहा है, ठीक है, ये आपको रिकॉल भी करनी है, दिमाग में रखनी भी है। सेकेंड अजम्पशन है कि जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, दैट इज वाई इज इक्वल्स टू AL होगा। कैसा होगा बेटा? Y is equals to AL होगा, जहाँ पे Y हमारा आउटपुट है, A हमारी प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है और L यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है। मैं काम करता हूँ, L को N कह देता हूँ क्योंकि सिंबल में हम लोग N एम्प्लॉयमेंट कह रहे हैं, ठीक है, सिंबल्स वाइज, राइट। तो अब ये देखिएगा, हमने कंफर्म कर लिया, देयर इज ओनली लेबर एज अ इनपुट, हमारे पास लेबर ही है एक इनपुट की तरह, उसके अलावा कोई और नहीं है। तो जब भी हम लोग यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट की बात करेंगे तो हम यहाँ पे लेबर कॉस्ट की बात करेंगे, और लेबर कॉस्ट को हम लोग यहाँ पे वेजिस कहते हैं या फिर वेज रेट कहते हैं। क्लियर हुई ये बातें मेरी? आपको ऑब्जर्व सुनते रहिएगा। सबसे पहले, सबसे जरूरी बात, कि जो प्राइस होता है वो मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होता है जब हमारी मार्केट इम्परफेक्टली कॉम्पिटेटिव प्रैक्टिस कर रही होती है। क्या मैंने बोला? जब मार्केट इम्परफेक्ट कॉम्पिटेटिव प्रैक्टिस कर रही होती है तो जो प्राइस होता है वो मार्जिनल कॉस्ट कॉस्ट से ज्यादा होता है। समहाउ अगर मैं कहता हूँ कि मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, तो ध्यान रखना किसी भी प्रोडक्ट की अगर प्राइस सेट करना है तो उसके प्राइस सेट करने के लिए एक तो उसकी मार्जिनल कॉस्ट चाहिए, दैट इज द लेबर कॉस्ट जो उसकी लेबर बना रही है, प्लस यहाँ पे कुछ एडिशनल कॉस्ट भी होती है। अब यही समझना है आपको, एडिशनल कॉस्ट। देखिए, जब आप इम्परफेक्ट कंपटीशन में होते हो तो ये समझदारी वाली बात है कि आप जो प्राइजेस सेट कर रहे हो वो मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो लेबर की कॉस्ट है, दिस इज ओनली लेबर्स कॉस्ट। और क्योंकि आप एक ऐसे नेचर की बात कर रहे हो, एक ऐसे प्रैक्टिस की बात कर रहे हो
जहाँ पे या तो आप एक हो बनाने वाले, या थोड़े से लोग बनाने वाले, या फिर डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट बनाने वाले हो, तो इसके अंदर आपके अदर कॉस्ट काफी होती है। जैसे एक इसमें कह सकते हो मोनोपोली रेंट भी होता है, या सेलिंग कॉस्ट भी होता है, या लाइसेंसिंग कॉस्ट भी होते हैं, या फिर कोई भी आप कॉपीराइट लेने वाले कॉस्ट होती है। देर आर लॉट ऑफ कॉस्ट हेयर, यहाँ पे बहुत सारी कॉस्ट होती हैं। उन्हीं कॉस्ट को मैंने यहाँ पे क्या बोला, एडिशनल कॉस्ट। अब थोड़ा सा फॉर्मूला वे में समझिएगा। मान लीजिए मार्जिनल कॉस्ट ऑब्वियस सी बात है किसके बराबर है, वेजेस के, तो यहाँ मैंने डब्ल्यू लिख लिया। अब जो एडिशनल कॉस्ट है उसका फॉर्मूला होगा, दैट इज म्यू इंटू डब्ल्यू। अब आपको ये प्रॉब्लम करेगा कि सर ये कैसे आ गया। देखिए जो हमारी एडिशनल कॉस्ट होती है वो भी किस पर डिपेंड करती है, वो भी डिपेंड करती है वर्कर की वेज पर। यहाँ पे जो म्यू मैंने लिखा है, म्यू फर्स्ट ऑफ ऑल दिस म्यू इज बेसिकली मार्कअप। मार्कअप एक तरह का रेट होता है, मार्कअप वैल्यू, इसे पूरी मार्कअप वैल्यू बोलेंगे। और मार्कअप जो होता है वो म्यू होता है, ये एक तरह का परसेंटेज वैल्यू होती है जो 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 बेसिकली एडिशनल कॉस्ट में निकालने में बेनिफिट देती है। ठीक है, एक एडिशनल कॉस्ट को निकालने में हमें हेल्प करती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि म्यू क्या क्या हो सकता है, मतलब ये बहुत वैरायटीज हो सकती है। म्यू आपका सेलिंग कॉस्ट हो सकता है। देखिए इम्परफेक्ट कंपटीशन जिन जिन वेज पर, जिस तरीके से परफेक्ट कंपटीशन से डिफरेंट होगी। अब भाई परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है कि जहां पे प्राइस टेकर्स होते हैं, इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है जहां पे प्राइस मेकर्स होते हैं। क्या जरूरत थी उनको प्राइस टेक करने की, परफेक्ट कंपटीशन वालों को, और क्या जरूरत है इन लोगों को प्राइस बनाने की, प्राइस सेट करने की, तो इसके बीच में ये चीज आ जाती है एडिशनल कॉस्ट। ये आपकी प्रॉफिट हो सकता है, या आपका मोनोपोली रेंट हो सकता है एडिशनल कॉस्ट, ये सेलिंग कॉस्ट हो सकती है, ये कॉपीराइट कॉस्ट हो सकती है, लाइसेंसिंग कॉस्ट हो सकती है, या कंपनी की एक्साइज वैट कॉस्ट हो सकती है, ये कुछ भी हो सकती है, बट ये होगी जरूर। अब आपके दिमाग में ये चीज आ रही है कि सर ठीक है हमने आपकी बात मान ली, हमारे कॉलेज वाले ने बोला हमने मान ली, बट वाई इट इज मल्टीप्लाइड बाय वेज, क्यों ये वेज से मल्टीप्लाई कैसे हो रही है। अब आप इसी चीज को समझिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मुझे भी वॉट आउट करती थी ये चीज है। ठीक है, बुक में सीधे ऐसे लिखा हुआ है, अब सुनना बड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात। देखिए मान लीजिए दो तरह के वर्कर्स हैं, या दो तरह के इंजीनियर्स हैं, दो तरह के इंजीनियर्स हैं, और वो अपनी इंजीनियरिंग के बेस पे जॉब लेके बैठे हुए हैं, राइट। उनको एक कैबिन दिया या उनको एक ऑफिस दिया है दोनों इंजीनियर्स को। एक इंजीनियर वो है जो आई आई टी दिल्ली से पास आउट है और टॉप रैंकर है, वो भी एक इंजीनियर है, बीटेक है, आईआईटी दिल्ली से पास आउट है और उसकी जॉब लगी है, और आप समझ सकते हो आईआईटी दिल्ली से इंजीनियर है, तो उसकी सैलरी कितनी रही होगी, क्लियर। एंड सेकेंडली जो दूसरा इंजीनियर है वो मान लो गाजियाबाद से 3 महीने में इंजीनियर बने, वहां से पास आउट है, मतलब वाला एमई एमई वाला, ठीक है, उसकी भी जॉब लगी है। अब मुझे एक चीज समझाओ, अगर दोनों के दोनों एक कंपनी में काम कर रहे हैं, और वो एक मान लो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, अच्छा खासा प्रोडक्ट बना रहे हैं, दोनों ही बना रहे हैं, तो दोनों के प्रोडक्ट बनाने का जो प्राइस होगा वो डिपेंड करेगा कि कौन के इन दोनों की वेजेस कितनी है। अब समझिएगा, अगर आईआईटी दिल्ली वाला बंदा कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो उसकी जो वेजेस होंगी उसके बेसिस पर फर्म अपना प्रॉफिट, लाइसेंसिंग कॉस्ट, ये कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट जो डिटरमाइन करेगी। और दूसरा इंजीनियर जो गाजियाबाद जैसी जगह से, या 3 महीने में इंजीनियर बने, या छुटपुट वाला इंजीनियर है, तो उसकी जो एडिशनल कॉस्ट होगी वो उसके वेजेस पर डिपेंड होगी। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आईआईटी दिल्ली वाला बंदा किसी कंपनी में काम कर रहा है तो उसका कैबिन किस तरीके से फर्निश्ड होगा, उसका कैबिन किस तरीके से फर्निश्ड होगा, उसको कंपनी क्या क्या बेनिफिट दे रही होगी, और कंपनी कोई बहुत अच्छी नहीं होगी, मतलब कंपनी इतनी दयालु नहीं होगी, वो जो कंपनी है वो सारा का सारा उसके प्रोडक्ट के प्राइजेस को सेट करके गेन कर लेगी, राइट। तो ध्यान रखना जितनी भी मैंने कहा ना उसकी वेज कितनी है, इसके बेसिस पे उसके कैबिन की फर्निशिंग पता लगेगी। और दूसरा जो आपका वो है इंजीनियर, उसके कैबिन की फर्निशिंग डिपेंड करेगी कि उसकी वेज कितनी है। तो समहाउ ये जो मार्कअप होता है ये एडिशनल कॉस्ट होती है, और ये
और ये मतलब मार्जिनल कॉस्ट पे का फंक्शन होता है, क्योंकि हमने मार्जिनल कॉस्ट को यहाँ पे डब्लू लिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे डब्लू लिखा है। ये बताओ मुझे, ये बात समझ में आ गई? अगर मैं यहाँ से प्राइस इज इक्वल टू करके डब्लू कॉमन ले लूं, तो इट बिकम वन प्लस का म्यू। प्राइस इज इक्वल टू डब्लू ब्रैकेट वन प्लस का म्यू, ये यहां से कुछ इस प्रकार चीजें बन गई। मैं यहां से थोड़ा रफ कर देता हूं, ठीक है? अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखिए, P इज इक्वल टू प्राइस इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू वन प्लस का म्यू, ये सिचुएशन आई है यहाँ पे, ठीक है? प्राइस इज इक्वल टू डब्ल्यू ब्रैकेट वन प्लस का म्यू, जहाँ पे जो म्यू है इसकी वैल्यू लाई करेगी 0 to 1 में। इट इज बेसिकली परसेंटेज वैल्यू, राइट? इट इज समहाउ परसेंटेज वैल्यू। कुछ इकोनॉमिक्स में इस पर डिबेट है कि इसकी वैल्यू म्यू की वैल्यू एक से ज्यादा हो सकती है, बट कुछ तो डिबेट है, और अभी भी इसकी इस पर रिसर्च है कि म्यू की वैल्यू क्या होगी। कभी ऐसा नहीं होता कि जो फर्म में उस प्रोडक्ट प्रोडक्ट का प्राइस में जो एडिशनल बेनिफिट है वो उसकी वर्कर की बेनिफिट से ज्यादा ले रही है, ऐसा नहीं होता। जेनुअनली ऐसा नहीं होना चाहिए, और क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं नियो क्लासिकल थ्योरी, वहां पर ऐसा नहीं था। आज की डेट में हो सकता है कि एक एप्पल कंपनी जैसे मैकबुक या मैकबुक बन रही है, तो उसकी मैकबुक को बनाने की जो इंट्रिंसिक कॉस्ट है और उसका जो प्राइस है, तो प्राइस बहुत ज्यादा होता है। तो कभी कभी लगता है कि सर मैकबुक को बनाने वाले जो लेबर थे, जो इंजीनियर थे, उनकी सैलरी पर मैकबुक की जो एवरेज सैलरी उनकी बहुत कम है एज कम्पेयर द कॉस्ट, सॉरी एज कम्पेयर द प्राइस। हम ये बात कर सकते हैं रियल बिजनेस साइकिल्स की, मतलब हम ये बात कर सकते हैं आज की इकोनॉमी की, बट जब हम लोग बात कर रहे हैं पुरानी, ध्यान रखना हम लोग अराउंड अराउंड 80 साल पहले की बात कर रहे हैं, यानी यानी 1940s के अराउंड की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर 1940s, ये वो दौर था जब मिल्टन फ्रीडमैन का दौर था। मिल्टन फ्रीडमैन ने काफी सारी थ्योरी दी थी जो नियो क्लासिकल थ्योरी के नाम से फेमस हुई, ठीक है? और वही थ्योरी हम लोग आज यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा रियल वेज टर्म में लिखना चाहूंगा। रियल वेज मतलब डब्ल्यू अपॉन में पी, सो दैट इज इक्वल टू वन अपॉन में वन प्लस का मार्कअप, ठीक है? यहां मैंने डायग्राम बनाया है इसका। दिस इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट, दिस इज रियल वेज, ठीक है? दिस इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट, दिस इज रियल वेज, राइट? एंड आपने यहाँ पे अगर डायग्रामेटिकली बात कर ली, आप देखिएगा रियल वेज एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, दिस इज द कॉन्स्टेंट वैल्यू, क्योंकि म्यू इज अ परसेंटेज वैल्यू। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो प्राइस स्टार्टिंग रिलेशन का बनेगा वो समहाउ कुछ इस तरीके से बनेगा, सो दैट इज डब्ल्यू बाय पी इज इक्वल टू वन अपॉन में वन प्लस मार्कअप, और यू कैन से दैट दिस इज द वैल्यू ऑफ वन अपॉन में वन प्लस मार्कअप, जो किसके बराबर है, आपकी वेज के बराबर है, ठीक है? तो यहाँ पे रियल वेज का और अनएम्प्लॉयमेंट का कोई रिलेशनशिप नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट कुछ भी हो जाए, देखो इस बात से ये पता लगता है कि मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट कितना भी हो, इस बात से फर्म्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्म्स अपनी मर्जी से यहाँ पे प्राइस सेट करेंगी। यहां तक बात समझ में आ गई मेरी आप लोगों को? नाउ हमने अभी प्राइस सेटिंग रिलेशंस की बात करी है, हमने अभी प्राइस सेटिंग रिलेशंस की बात करी है, इसमें मार्कअप है। ध्यान रखना कभी कभी इस मार्कअप को, मतलब मार्कअप इज वर्ड दैट इज पावर, ठीक है? ये पावर है। अब आप इसे मोनोपोली पावर भी कह सकते हो, या फिर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन की प्रैक्टिस की पावर भी कह सकते हो। ये पावर है जिस पावर के बेसिस पे प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा हो जाता है, ठीक है? तो दिस इज बेसिकली पावर। अब गवर्नमेंट क्या करना चाहती है कि इस पावर को कम करना चाहती है, इसके बारे में हम लोग अभी आगे बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि हमारा प्राइस सेटिंग रिलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, राइट? अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्राइस सेटिंग रिलेशन और प्राइस सेटिंग रिलेशन पहले मेजर लेवल पे, और अब और हमारा वेज सेटिंग रिलेशन, हमारा वेज सेटिंग रिलेशन आपस में कैसे कनेक्ट करेगा। देखिए जब भी हम लोग बात करेंगे इक्विलिब्रियम की, तो मैं पहले इसको हटा देता हूँ, ये मैं रफ कर रहा हूँ। और हाँ, अगर आपने नोट नहीं करा तो प्लीज वीडियो पॉज करके नोट करिए, इट्स माय रिक्वेस्ट, ठीक है? चलिए ये मैं हटा देता हूँ, रफ कर देता हूँ, और मैं नोट्स के लिए बस आपको यही बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि बस आप जितना मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ उसके नोट्स आप जरूर बनाइए, एकदम बढ़िया बढ़िया से नोट्स बनाइए। मैं कलर फुल लाइफ नहीं है, तो मैं कलर ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, बट आप क्या कर सकते हो, आप कलर मतलब आप अपने पास कलरफुल पेन रखिए, ठीक है? जो पेन रख रहे हो ब्लैक भी रखो,
ब्लू भी रखो, रेड भी रखो, ग्रीन भी रखो, तो अपने हिसाब से आप डायग्राम्स वगैरह को मेंटेन कर सकते हो। तो जो क्लास में नोटिंग हम लोग कर रहे हैं, दिस इज द ओनली नोटिंग जो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली काम आएगी। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा नोटिंग है, जो बुक की कॉपी पेस्ट है, जो कि और भी मतलब लोग प्रोवाइड करते हैं, इवन अगर आपने कहीं और ज्वाइन कर रखा है तो आप उनसे भी पढ़ते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप मुझसे भी पढ़ते रहो, क्योंकि मैं तो कुछ आपसे चार्ज कर ही नहीं रहा, मैं तो आपको एज इट इज सब कुछ दे रहा हूँ। ठीक है, तो ज्ञान जहां से मिल रहा है बटोर लो, किसी ने मना नहीं करा आपको। ठीक है, एक अच्छे स्टूडेंट की खास बात क्या होती है, वो फिल्म देखी थी आपने, थ्री इडियट देखी थी ना, थ्री इडियट, उसमें रणछोड़ दास रांचड़ है ना, वो कैसे इंजीनियरिंग तक आ गया, या कैसे उसने पढ़ाई करी, उसको जहां से ज्ञान मिला उसने बटोरा। तो आप भी अपने साथ वही करो, जहां से ज्ञान मिल रहा लेते जाओ। मैं ये कहता हूँ कोई और भी, अगर आपको कोई टॉपिक अगर आपको समझना है, गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, मिल जाएगा, मुझे बता दो, मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा आप लोगों के लिए। मुझे नहीं बता रहे तो कहीं और सर्च कर लो, लेकिन पढ़ते रहो और ज्ञान बटोरते रहो। ठीक है, अब सुनना यहाँ पे, दैट इज इक्विलिब्रियम इन इन लेबर मार्केट, और इस इक्विलिब्रियम के बेसिस पे हम लोग क्या डिटरमाइन करेंगे, अगर हमने इक्विलिब्रियम किया, किस चीज का वेज सेटिंग रिलेशन और प्राइस सेटिंग रिलेशन। मान लीजिए मेरे पास में वेज सेटिंग रिलेशन दे रखा है, लास्ट क्लास का फॉर्मूला, कब का फॉर्मूला, लास्ट क्लास का फॉर्मूला, दैट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू पीई एफ ऑफ यू कॉमा जेड, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डब्ल्यू बाय पीई इज इक्वल टू एफ ऑफ यू कॉमा जेड। ठीक है, ऐसी प्राइस सेटिंग रिलेशन, ऐसे ही प्राइस सेटिंग रिलेशन, क्या बेटा, प्राइस सेटिंग रिलेशन, ये हो जाएगा आपका पी इज इक्वल टू डब्ल्यू वन प्लस का मार्कअप। ठीक है, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू वन प्लस का म्यू, इसको मैं अगर रियल वेज में कन्वर्ट करना चाहूंगा, इट इज डब्ल्यू बाय पी, इट बिकम्स वन प्लस का म्यू। तो दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन, लेकिन एक डिफरेंस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दैट इज ये जो है, दैट इज इसे हम कहेंगे रियल एक्सपेक्टेड वेज। क्या बोलेंगे हम इसे, हम इसे बोलेंगे इट इज बेसिकली रियल एक्सपेक्टेड वेज, और इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इसे हम बोलेंगे रियल वेजेस। अब दोनों में फर्क क्या है, देखिए जो वेज सेटिंग रिलेशन की वजह से जो आपका रियल वेज आता है वो एक्सपेक्टेड आता है, यानी आप सोच रहे हो आपकी जो वेजेस है फ्यूचर के प्राइसेस पे डिपेंड करती है, और प्राइस सेटिंग रिलेशन में जो प्राइस होता है वो टुडे यानी करंट प्राइस होता है। इसका मतलब अगर प्राइस सेटिंग रिलेशन ये रिप्रेजेंट कर दे कि कोई भी प्राइस होगा वो करंट ही रहेगा, मतलब जैसा जैसे टाइम बीतता जाएगा आगे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होगी, ठीक है, जो प्राइस होगा वो वही होगा, या फिर कोई भी अगर प्राइस हुआ तो वो कंज्यूमर का, जैसे मान लो मैं फर्म हूं, आप यहाँ पे वर्क करो, या आप फर्म हो मैं यहाँ पे वर्क करूं, आप प्राइस सेट कर रहे हो, मैं मतलब अपना, और मेरे लिए वेजेस सेट किया जा रहा है बाय वेज सेटलर यानी यूनियन के साइड से। तो मैंने बोला कि जो मेरी वेजेस है वो एक्सपेक्टेड प्राइस पर डिपेंड कर रही है, ठीक है, जो फ्यूचर का होगा। आपने बोला आपकी को फर्म सेटर हो, मतलब फर्म हो तो अपना प्राइस सेट करो, आपने बोला भैया ऐसा है, तो मुझे जो प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, हमने वही प्राइस सेट कर लिया। मतलब अगर तुमको लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, वो बढ़ के इतना हो जाएगा, वट एवर कोई एक रेंज मान लो, तो हमने वही प्राइस सेट कर लिया, हमने वही प्राइस सेट कर लिया जो तुमने एज्यूम करा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपस में रिलेट करते हैं, इस चीज को हम एक नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, हम ये बात बोलेंगे इट इज पॉसिबल, कब, जब वर्कर का प्राइस, वर्कर की एक्सपेक्टेशन, वर्कर का एक्सपेक्टेड प्राइस अगर फर्म के प्राइस जो फर्म ने सेट किया उसके बराबर होगा, तो हम बोलेंगे कि इट इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ, इट इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ व्हेन द एक्सपेक्टेशंस आर रियलाइज्ड, एक्सपेक्टेशंस आर रियलाइज्ड, मतलब हमें अगर एक्सपेक्टेशंस रियलाइज्ड हो जाए, यानी मान लीजिए आपकी इकोनॉमी अगर जो उनकी एक्सपेक्टेशन है वो एक्चुअल प्राइस के बराबर हो जाए, मतलब यहाँ पर जो पीई है दैट इज एक्सपेक्टेड प्राइस,
और यहाँ पे जो पी है दैट इज एक्चुअल प्राइस, अगर हमारी इकोनॉमी का एक्सपेक्टेड प्राइस एक्चुअल प्राइस के बराबर हो जाएगा देन ये इंप्लाई करेगा हमारी इकोनॉमी में जो एक्चुअल वैल्यूज हैं, एक्चुअल या आप कह सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट, जो हमारा एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट है वो नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बराबर हो जाएगा। अब यहां पे एक आपने टर्म सुना है नेचुरल लेवल, ये चीज आप जरा सुन लीजिए अलग से, पहले बताओ यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर एक्सपेक्टेड प्राइस एक्चुअल प्राइस के बराबर हो जाएगा तो एक्चुअल आउटपुट जो होगा नेचुरल लेवल ऑफ सॉरी एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बराबर हो जाएगा। अब आपके दिमाग में जो है घोड़े दौड़ने लगे, सर ये क्या हो गया, नेचुरल क्या का मतलब क्या होता है? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी कंट्री या कोई भी इकोनॉमी अपने यहाँ पे कभी भी रैंडमली बात नहीं करती। अब आप सोचना कि प्योर क्लासिकल थ्योरी और नियो क्लासिकल थ्योरी इनमें क्या क्या डिफरेंसेस थे, बहुत सारे डिफरेंसेस में से एक डिफरेंस ये भी था कि जो प्योर क्लासिकल थे वो कहते थे कि इकोनॉमी शुरू से ही फुल एम्प्लॉयमेंट पे रहेगी, इकोनॉमी शुरू से ही लॉन्ग रन में रहेगी, ये प्योर क्लासिकल्स कहते थे। यानी फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब सब लोगों को काम मिल गया, ठीक है, और इकोनॉमी में किसी भी प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, इकोनॉमी में किसी भी प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो है ये कौन है, ये है नियो क्लासिकल, NEO, मैंने लास्ट क्लास में समझाया था ना आपको, ये है नियो क्लासिकल। इनका मानना ये था कि हमारी इकोनॉमी के अंदर कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा और इकोनॉमी खुद भी नहीं चाहेगी कि वो फुल एम्प्लॉयमेंट पर आए। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, हल्के हल्के मैं आपको सिखाता चलूंगा समझाता चलूंगा इसके बारे में भी कि इकोनॉमी क्यों नहीं चाहती है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट हो। दैट मीन्स व्हाट, कि व्हाई सम कंट्रीज वॉन्ट्स टू रिमेन पुअर, क्यों कुछ कंट्रीज हमेशा पुअर रहना चाहती हैं, क्यों क्यों कुछ कंट्रीज हमेशा अमीर रहना चाहती हैं, समझिएगा। नियो क्लासिकल के अंदर हम लोग कुछ अनएम्प्लॉयमेंट एज्यूम करके चलेंगे और जो कुछ अनएम्प्लॉयमेंट जो एज्यूम करके चल रहे हैं उसी को ही हम बोलेंगे नेचुरल लेवल। अब ये सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट पे बात नहीं आएगी, सोचिएगा अगर आपका इकोनॉमी में एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के बराबर हो जाएगा तो ध्यान रखना आपकी इकोनॉमी का एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट नेचुरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बराबर हो जाएगा, और अगर एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट नेचुरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बराबर हो जाएगा तो आपका एक्चुअल आउटपुट नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट के बराबर हो जाएगा। अब आपके दिमाग में और फिर से घोड़े दौड़ रहे हैं कि सर इनका आपस में रिलेशन क्या है, तो मैं एक छोटी सी इक्वेशन बनाऊंगा आपके लिए, शायद आप समझ जाओ। देखो ये आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं जरा सुनिएगा जरा ध्यान से। मैंने अपनी लास्ट क्लास की स्टार्टिंग में चीज समझाई थी आपको, वो ये थी कि हमारी इकोनॉमी में जो लेबर फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, N+U, दैट इज एम्प्लॉयमेंट प्लस अनएम्प्लॉयमेंट। लेबर फोर्स किसके बराबर होता है, L⁻ = एम्प्लॉयमेंट प्लस अनएम्प्लॉयमेंट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लेबर फोर्स किसके बराबर होता है, एम्प्लॉयमेंट प्लस अनएम्प्लॉयमेंट। आई आई रिपीट माई सेल्फ अगेन, लेबर फोर्स किसके बराबर होता है, एम्प्लॉयमेंट प्लस अनएम्प्लॉयमेंट। अब आप अगर यहां से ये कह दो कि मैंने सर इसको L⁻ से डिवाइड कर दिया, अगर मैंने इसको कंप्लीट इक्वेशन को L⁻ से डिवाइड कर दिया तो यहां से कैंसिल आउट, तो ये बन जाएगा 1 = N/L प्लस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और अगर आपसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट को सॉल्व कर लो तो ये बन जाएगा 1 - का N/L। तो दिस इज बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट का फॉर्मूला, राइट? अब सुनना, ये सब कुछ सिर्फ वेज सेटिंग और प्राइस सेटिंग में ही होगा, मतलब जो आपका प्राइस या रियल वेजेस का अनएम्प्लॉयमेंट का जो रिलेशनशिप आएगा वो सिर्फ वेज सेटिंग और प्राइस सेटिंग के बिहाफ पे निकल के आएगा। मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बोर्ड की जरूरत है अभी, यहाँ पर सुनिएगा जरा ध्यान से इधर बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पर, और ये जो दोनों इक्वेशन है इसको माइंड में रखना, मैं इनको दोबारा लिखूंगा अभी। देखिए यहाँ पे मैंने अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फॉर्मूला लिख लिया, दैट इज 1 - का N/L, ये मैंने लास्ट क्लास के अंदर फॉर्मूला आपको लिखवाया था L⁻, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एक बार बताना मुझे y किसके बराबर था, हमारा आउटपुट y = AN के बराबर था, जहाँ पे जो a था वो क्या था, प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे जो a था वो क्या था बेटा, a था प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, क्योंकि हमारे पास में लेबर ही अकेला इनपुट है और हम ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि जो प्राइस होता है
वो मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होता है, और जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो ओनली लेबर कॉस्ट होगी। यहाँ पे किसी भी प्रकार की मशीनरी नहीं है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है। तो क्लासिकल की अजम्पशन यहाँ पे फुलफिल कर लेंगे, दैट इज कि यहाँ पे कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल है, दैट इज यहाँ पर कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल है। इसका मतलब होगा कि जो प्रोडक्टिविटी होगा वो एक के बराबर होगा, इट मीन वर्ड हमारा जो वाई होगा वो एन के बराबर होगा। समझ में आई मेरी बात आपको? इतनी बात मुझे समझाओ पहले, क्लियर होगी? अब सुनना जरा ध्यान से, अगर हमारा अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बराबर हो गया, सुनना ठीक है, ठीक है, ये चीज आप लोग दिमाग में रखना, ठीक है। अब मैंने अगर ये वैल्यू यहां पुट कर दी 1 माइनस का एन अपॉन में एल बार, तो अगर ये एम्प्लॉयमेंट नेचुरल बन गया तो ये एम्प्लॉयमेंट भी नेचुरल बन जाएगा, अगर ये अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल बन गया तो ये वाला एम्प्लॉयमेंट भी नेचुरल बन जाएगा। ये इंप्लाई करेगा y इज इक्वल टू n को, अगर यहां से एम्प्लॉयमेंट नेचुरल बना तो यहां पर भी बनेगा, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंगली ये भी नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट हो जाएगा। यानी आप ये समझ लीजिएगा यू एन कहेगा नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एन एन बोला जाएगा, दैट इज नेचुरल नेचुरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और वाई एन को बोला जाएगा नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे तीन वैल्यूज मिल गई हैं, नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नेचुरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट। ध्यान रखना सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल बना है, और इसका नेचुरल बनने का मतलब था इट इज पॉसिबल व्हेन व्हेन द एक्सपेक्टेशंस आर रियलाइज्ड। ये कब पॉसिबल होगा? जब आपकी एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड प्राइस एक्चुअल प्राइस के बराबर हो जाएगा। तो अभी आपने काफी सारी चीजें पढ़ ली है, अब आप इन सब चीजों को मिला दीजिए, कैसे मैं आपको बता देता हूँ। ये आपने समझ में आ गया आपको? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब आपका एक्सपेक्टेड प्राइस एक्चुअल प्राइस के बराबर हो जाएगा तो आपकी जो एक्चुअल वैल्यूज है वो कोई भी वैल्यूज हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट की हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की हो, चाहे वो आउटपुट की हो, वो सबकी सब एक्चुअल वैल्यूज नेचुरल वैल्यूज के बराबर हो जाएंगी। इतनी बात समझ में आई आपको या नहीं आई? हाँ या ना? समझ में आ गई है ना? नहीं आती तो वीडियो को एक बार और रिपीट करके देखिएगा, ठीक है। और अगर इन केस आपको नहीं समझ में आता तो डोंट वरी, हम लोग जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, बिंदास बिंदास क्वेश्चन करेंगे, तो वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा एग्जाम में, ठीक है। तो आप शायद वहां पर भी अच्छे से समझ पाओ। ये सब बातें समझ में आ गई? अब मैं यहां से अपने काम की वैल्यूज उठा रहा हूं बस, ठीक है। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, मैं हट चुका हूं, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम मैं यहां से अपनी काम की वैल्यूज को उठाऊंगा, सिर्फ सिर्फ काम की वैल्यूज को, जिसके बाद मेरा आंसर जो है या मेरा इक्विलिब्रियम वैल्यू फाइंड आउट होगा, ठीक है। अब जरा सुनना ध्यान से, देखिए इंपॉर्टेंटली यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो वेज सेटिंग रिलेशन में से मैंने एक इक्वेशन ली जो थी हमारे पास W अपॉन में PE इज इक्वल टू F ऑफ U कॉमा Z। फिर मैंने प्राइस सेटिंग रिलेशन में से इक्वेशन ली, इसे बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, दैट इज W बाय P इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस मार्कअप। फिर मैंने बोला कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो रियलाइज हो गई। ये मैं बताना चाह रहा हूं कि स्टोरी की तरह याद रखना, जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो रियलाइज हो गई, ठीक है। अगर एक्सपेक्टेशंस रियलाइज हो जाएंगी तो जो आपका एक्चुअल प्राइस है वो एक्सपेक्टेड प्राइस के बराबर हो जाएगा, जिसकी वजह से तुम अगर यहाँ पे अगेन अगेन वेज सेटिंग रिलेशन को बनाओ तो कैसा हो जाएगा? क्योंकि आप सोचो पी जो है पीई के बराबर हो गया, तो आपका वेव सेटिंग रिलेशन जो पहले डब्ल्यू बाय पीई हुआ करता था, क्या होता था? पीई, अब वो डब्ल्यू बाय पी बन जाएगा,
दैट इज एफ ऑफ यू कॉमा जेड, और आप यहाँ पे कह सकते हो इट इज बिकॉज बिकॉज के व्हेन द एक्सपेक्टेड प्राइस इज इक्वल टू एक्चुअल प्राइस, और आपका अगेन प्राइस सेटिंग रिलेशन, ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया और ये फोर्थ हो गया। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को? ये हो गया। नाउ नाउ कंपेयर इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन फोर्थ, ये वाली तो आपने रखा। देखिए सेकेंड इक्वेशन ये है डब्ल्यू बाय पी इक्वल टू वन अपॉन में वन प्लस का मार्कअप, तो दैट इज वन अपॉन में वन वन प्लस का मार्कअप, और फोर्थ इक्वेशन ये है दैट इज एफ ऑफ यू कॉमा जेड, और ये कॉरेस्पॉन्डिंगली किसके बराबर है दोनों, ये है डब्ल्यू बाय पी के बराबर। तो ध्यान रखना फ्रॉम हेयर यू विल गेट द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन रियल वेज एंड अन देखो रियल वेज एंड नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब जरा समझना मेरी बात को। देखिए जब आपने कहा था कि प्राइजेस एक्सपेक्टेड प्राइस के बराबर हो जाएगा, तो ये इंप्लाई करेगा आपको कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बराबर हो जाएगा। तो जहां पर आपका पीई हट गया वहां पे आपका अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो नेचुरल बन गया। कैसा बन गया? वो अनएम्प्लॉयमेंट आपका नेचुरल बन गया। इस चीज को लिख लीजिएगा। क्या बोला मैंने? मैंने जानबूझ के रोका था अभी के लिए कि आप समझ पाओ कि कैसे कैसे चीज हो रही है। क्या कि अगर एक्सपेक्टेशन से लाइव जाएंगे तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बराबर हो जाएगा। देन जहां जहां पीई रिप्लेस कर दोगे तो वहां वहां आपको यू एन बी लग देना होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई। अगर मैं इन दोनों को डायग्रामेटिकली बनाने की कोशिश करूं तो दिस इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट, दिस इज नाउ रियल वेज। जब हमने वेव सेटिंग बनाया था तो ये डब्ल्यू बाई पीई था वाई एक्सिस पर, बट अब हमारा डब्ल्यू बाई पी है। ठीक है, ये हमारा प्राइस सेटिंग रिलेशन है, ये हमारा वेज सेटिंग रिलेशन है। दोनों को अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो इस पॉइंट पर क्या आया? वन अपॉन में वन प्लस का मार्कअप इज इक्वल टू एफ ऑफ यू कॉमा जेड, एफ ऑफ यू एन कॉमा जेड। तो ध्यान रखना यहां से जो आपको वैल्यू मिल रही है दैट इज यू विल गेट यू एन, और ये जो वैल्यू है दिस इज समहाउ यही सेम रहेगी क्योंकि ये बदलेगी नहीं। क्योंकि कभी भी ध्यान रखना आप इसको डिटरमाइन करने में टाइम वेस्ट मत करना ये, क्योंकि अगर आपको मार्कअप गिवन है क्योंकि आप नेचुरल लेवल जो नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट निकाल रहे हो वो इस वैल्यू को कॉरेस्पॉन्डिंगली बराबर रख के निकाल रहे हो। ठीक है, इस वैल्यू को कॉरेस्पॉन्डिंगली बराबर रख के निकाल रहे हो। अगर आपके पास ये वैल्यू ऑलरेडी गिवन है तो दिस इज इक्वल टू रियल वेज, ऑलवेज द केस। ये सब बताओ मुझे, समझ में आई आपको मेरी बात? तो दिस इज द वैल्यू ऑफ नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर? दिस इज द वैल्यू ऑफ नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या है आपका? नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। अगेन मैं अट रहा हूं यहां से, और आप प्लीज वीडियो को पॉज करके इन सब चीजों को छाप लीजिए कॉपी में अपनी। ओके, आपने सब कुछ छाप लिया होगा। ठीक है, तो मैं जरा बोर्ड को रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं आगे डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ पर। अब एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों से, एक आप कह सकते हो एक एप्लीकेशन, और वो लास्ट टॉपिक है हमारी आज की लास्ट का। दैट इज हाउ द नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट शिफ्ट और चेंज, कैसे नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट चेंज होगा। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन में लिख लेते हैं। इट इज हाउ या फिर व्हाट आर दी फैक्टर्स फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग अफेक्टिंग नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मैं हमेशा अनएम्प्लॉयमेंट रेट की ही बात कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा देता हूँ कि जैसे कि हमारे पास एक डायग्राम है ये वाला। ठीक है, सो दिस इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट, दिस इज रियल वेज, और यहां से आपने बना लिया प्राइस सेटिंग रिलेशन, और यहां से आपने बना लिया वेज सेटिंग रिलेशन। ठीक है,
यहाँ से आपने प्राइस सेटिंग रिलेशन बना लिया, यहाँ से आपने वेज सेटिंग रिलेशन बना लिया, और जहां पर भी ये इक्विलिब्रियम पर आया है, ठीक है, दैट इज नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड दैट इज रियल वेज, इक्विलिब्रियम रियल वेज। और इस इक्विलिब्रियम रियल वेज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, वेज सेटिंग रिलेशन इज डिपेंड्स ऑन एक्सपेक्टेड प्राइस, प्राइस सेटिंग रिलेशन इज डिपेंड्स ऑन एक्चुअल प्राइस। तो जब एक्सपेक्टेशन रियलाइज हो जाएंगी तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट, नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट बन जाएगा। अब बात हो रही है फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ठीक है। तो अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो होता है यहाँ पे हमारा कैच ऑल वेरिएबल्स होता है, क्या, कैच ऑल वेरिएबल सबसे पहले आता है हमारा यहाँ पे, कैच ऑल वेरिएबल्स। अब समझना कि व्हाट डू मीन बाय कैच ऑल वेरिएबल्स। देखिए ये होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, ये मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, और यू कैन से दैट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, और यू कैन से दैट दैट इज एटीट्यूड ऑफ द वर्कर। ध्यान रखना हमारे हिंदुस्तान में एक मनरेगा एक्ट है, मनरेगा, ठीक है, एक्ट यानी महात्मा गांधी जी की, और ये एम्प्लॉयमेंट के लिए एक एक तरह का पॉलिसी है कि जहां पे लोगों को अगर बेरोजगार है तो उन लोगों को सपोर्ट दिया जाएगा, ठीक है। अब चलो वो चीज एक अलग है, अब मैं देखता हूँ कि इससे हमारे इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले अगर जेड इंक्रीज करता है तो उससे हमारा, अब सुनिएगा, डब्ल्यू बाय पी विच इज एफ ऑफ यू कॉमा जेड, अगर जेड बढ़ता है तो ये हमारा पॉजिटिवली रिलेट कर रहा है रियल वेज को, ये बढ़ेगा। जैसे हमारा जेड बढ़ते रियल वेज बढ़ा, हमारा वेज सेटिंग रिलेशन, पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन से वेरिएबल की वजह से कौन सी इक्वेशन अफेक्ट होगी। हमारा वेज सेटिंग रिलेशन शिफ्ट टू अप, कह सकते हो वो इधर के साइड थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, मान लो यहाँ पे कहीं शिफ्ट हो गया, ये जो होगा ये जेड वन पे है और ये जो डब्ल्यू रिलेशन है वो जेड टू पर है, मतलब बड़े हुए जेड पर, जिसकी वजह से क्या होगा हमारा, जिसकी वजह से क्या होगा हमारा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर जाएगा, जो यहां से उठ के समहाउ कहीं यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो पहला रीजन है जिसकी वजह से आपका नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट चेंज हो रहा है, पहला रीजन है जिसकी वजह से आपका नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट चेंज हो रहा है, तो वो होगा आपका कैचुअल वेरिएबल। सेकेंड है मार्कअप। देखिए जो मार्कअप होता है ये जनरली मोनोपोली पावर कह सकते हो इसे आप, या तो मोनोपोली पावर या फिर जो इम्परफेक्ट कंपटीशन में सेलर्स है जिनका प्राइस कंट्रोल है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में जितने भी सेलर्स हैं वो सबके सब सेलर जो है प्राइस मेकर हैं, और अगर वो प्राइस मेकर है तो उनका, इसका मतलब उनका काफी हैवी कंट्रोल है। अब उनको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट को जो है इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मान लीजिए मार्कअप थोड़ा हाई चल रहा है, ठीक है, अब गवर्नमेंट चाहती है कि यार तो गड़बड़ी है, क्योंकि देखो जितना मार्कअप हाई होगा उतने प्राइसेस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, अब सोचो जितना मार्कअप हाई होगा उतना ही प्राइसेस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो उन्होंने बोला यार थोड़ा सा को कंट्रोल करते हैं, इन्फ्लेशन को कम करते हैं। वो सुना नहीं, वो पॉलिटिशियंस अपने एजेंडा में कहते हैं कि महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, दुनिया भर की चीजें जो बोलते हैं वही मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो मार्कअप हाई है तो गवर्नमेंट ने क्या करा, रेगुलेशन करा, गवर्नमेंट रेगुलेट दी मार्केट, गवर्नमेंट टेक अ स्टेप टू रेगुलेट दी मार्केट, रेगुलेट दी मार्केट, गवर्नमेंट ने रेगुलेट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ मार्कअप को कम होना पड़ा, रेगुलेट कर दिया गवर्नमेंट ने, क्या करा काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जिसकी वजह से आपका मार्कअप कम होने लगा। अब सोचो अगर मार्कअप कम होगा तो वन प्लस मी, वन अपॉन में वन प्लस मी, इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब ये कम होगा तो ये वैल्यू बढ़ेगी, और ये है क्या, ये आपका प्राइस सेटिंग रिलेशन है। ध्यान रखना आपका प्राइस सेटिंग रिलेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब इट विल शिफ्ट टू अप, ये आपका अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। मतलब एक तो ये डायग्राम समझ में आ गया था ना आपका, मैं ये स्पेस ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है बेटा, मैं यहाँ पे एक स्पेस ले रहा हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट और रियल वेज, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं अपना सेकंड पार्ट वाला डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज माय प्राइस सेटिंग रिलेशन, दिस इज माय
वेज सेटिंग रिलेशन, ये हमारा नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट था, ये हमारा रियल वेज था, और प्राइस सेटिंग, अभी हमने बोला कि ये बढ़ गया। अब अगर ये बढ़ गया, ठीक है, अगर ये देखो, अब समझना, गवर्नमेंट ने रेगुलेट करा जिसकी वजह से मार्कअप कम हुआ, मार्कअप जब कम हुआ तो 1/1 में और 1+μ ये डिनोमिनेटर कम हुआ, जब डिनोमिनेटर कम हुआ तो पूरा फ्रैक्शन बढ़ गया, और जो फ्रैक्शन था यही वैल्यू आपकी रियल वेज के बराबर थी, तो ये अपवर्ड शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से आप देखो आपका नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ पे कम हो गया। तो ध्यान रखना, अगर, अब समझना बात, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं, अगर गवर्नमेंट का रेगुलेशन स्ट्रांग है, अगर गवर्नमेंट का रेगुलेशन स्ट्रांग है तो आप देखो रियल वेज बढ़ने लग गया, क्या हो गया यहाँ पे, अगर मैं आपको बता देता हूं, इफ गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इज स्ट्रांग, अगर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट स्ट्रांग है, ठीक है, तो ध्यान रखना रियल वेज इंक्रीज करेगा एंड नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कम करेगा। यानी कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि बेरोजगारी दर कम होगी और रियल वेजेस बढ़ेगा, कब होगा, जब गवर्नमेंट की इतनी पावर है कि गवर्नमेंट ने रेगुलेट करा और उनके रेगुलेशन की वजह से चीजें बदल गई, एक केस हो गया। दूसरा केस समझ लो, यहां जो हमने स्ट्रांग रखा है, अगर आप कह सकते हो कि इफ दिस इज बेसिकली वीक, अगर ये वीक एनफोर्समेंट है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा क्या, वीक होने का मतलब मार्कअप पे कोई कंट्रोल नहीं है तो मार्कअप भी बढ़ने लग जाएगा, मतलब बढ़ रहा होगा। भाई मोनोपोली पावर क्या होती है, मार्कअप को बढ़ाना, अगर गवर्नमेंट का स्ट्रांग इन्वॉल्वमेंट है तो मार्कअप का बढ़ना कम हो जाएगा, वो मतलब इंक्रीज नहीं होगा मार्कअप, अब वो कम होते होता होता कम होने लग जाएगा, तो जैसे मार्कअप कम होगा तो आपको पता ही रियल वेज बढ़ जाएगा। लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट वीक है, स्ट्रांग नहीं है, इसका मतलब गवर्नमेंट बढ़ते हुए मार्कर को नहीं रोक सकता, इसका मतलब इसका दूसरा डायग्राम बन जाएगा, रियल वेज आपका कम होने लग जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने लग जाएगा, जो कि नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का इंक्रीमेंट होता है। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई या नहीं आई, ये बताओ सबसे पहले। देखिए मैंने कोशिश करी है आपको चीजों को बहुत अच्छा समझाने में। अभी हम लोग कुछ टाइम बाद जब ये टॉपिक मान लो ये हो जाएगा, जैसे लेबर मार्केट हो गया, अब मुझे ADAS का डिस्कशन करना है, ठीक है, ADAS को मिलाने के बाद में फिर हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो वेज सेटिंग पर डिपेंड होंगे, प्राइस सेटिंग पे डिपेंड होंगे, ADAS पे डिपेंड होंगे, राइट, हमारा जो पूरा लेबर मार्केट सिनेरियो है उन सब पे ये चीजें डिपेंड होंगी, ठीक है, तो ये आप प्लीज नोट कर लीजिए साथ में, और जो आगे की क्लासेस है प्लीज उनको रेगुलर देखते रहिएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी बात, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।